हेलो दोस्तों दोस्तों कैसे हैं आप लोग। दोस्तों लहसुन खाने के यानी गार्लिक खाने के आपको यूट्यूब के ऊपर बहुत से वीडियो मिल जाएंगे, यानी कि जहां पर आपको मिल जाएगा कि लहसुन इतनी मात्रा में खाना चाहिए, इन इन बीमारियों में खाना चाहिए, है कि नहीं, किस किस को खाना चाहिए, कितनी क्वांटिटी में खाना चाहिए। लेकिन दोस्तों क्या आपको रियल में पता है कि गार्लिक खाने के क्या क्या फायदे होते हैं? जी हाँ दोस्तों, गार्लिक यानी लहसुन एक ऐसी चीज है जो आपके शरीर के लिए किसी अमृत से कम नहीं, बशर्ते अगर आपको पता हो कि इसको खाने का सही तरीका और सही विधि क्या है। जी हाँ, क्या इसको सीधा छीला और तुरंत इसको इसी प्रकार से खा लिया, क्या ये सही है? नहीं दोस्तों, इस तरह से तो गार्लिक कभी गुणकारी हो ही नहीं सकता। तो फिर इस लहसुन को कैसे खाएं जिससे कि हमें लहसुन का पूरा पूरा फायदा मिल सके? दोस्तों आज के स्पेशल वीडियो में आपको मैं यही पूरी जानकारी बताऊंगा, तो प्लीज इस वीडियो को कहीं भी छोड़ के मत जाइए, इसे आखिर तक देखें और उसे पूरा पूरा फायदा उठाएं। तो दोस्तों सबसे पहली बात कि लहसुन आखिर खाएं क्यों, क्या है इसके फायदे। दोस्तों पहला फायदा है दोस्तों, ये आपके दिल के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है। जिन लोगों को भी हार्ट अटैक की प्रॉब्लम है या फिर उनको हार्ट अटैक आ चुका है, तो दोस्तों उनके लिए लहसुन का खाना बहुत ज्यादा फायदेमंद होगा। इससे उनकी जो दिल की बीमारियां हैं वो दूर होंगी और उनका दिल एकदम सही तरह से फंक्शन करेगा। क्योंकि दोस्तों जो लोग लहसुन खाते हैं उनके ऊपर दोस्तों करीब 60-70% का जो दिल का दौरा पड़ने का जो खतरा होता है वो कम हो जाता है। जी हाँ, 60-70%, ये बहुत बड़ी बात है दोस्तों। दोस्तों एक स्टडी के अनुसार जिसमें करीब 500 लोगों को लिया गया था और उसमें दोस्तों उन लोगों को करीब एक बार हार्ट अटैक आ चुका था, तो उनमें से आधे लोगों को दोस्तों लहसुन का सेवन पर लगाया गया और आधे लोगों को कोई भी ट्रीटमेंट नहीं दिया गया। और फिर 3 महीने के बाद दोबारा टेस्ट करवाए गए तो जिन लोगों को लहसुन दिया गया था उन लोगों में दोबारा हार्ट अटैक आने की जो संभावना है वो करीब 50-60% कम हो गई और उनका जो डेथ रेट है उसमें भी कमी आई। दोस्तों लहसुन दिल के दौरे को यानी हार्ट अटैक को किस तरह से रोकता है, चलिए मैं आपको बता दूं। दोस्तों लहसुन के अंदर पाया जाने वाला तत्व एलिसिन जो आपकी छोटी आंत है उसके अंदर जो कोलेस्ट्रॉल का एब्जॉर्प्शन है वो रोक देता है, जिससे कि जो कोलेस्ट्रॉल होता है वो आपके खून में जमा नहीं हो पाता, है कि नहीं, ये बहुत काम की चीज। दोस्तों लहसुन HDL यानी गुड कोलेस्ट्रॉल को आपकी बॉडी के अंदर इंक्रीज करता है और जो बैड कोलेस्ट्रॉल होता है यानी LDL उसको कम करता है। दोस्तों एक और बात, अगर आप लहसुन को डेली खाएंगे तो आपको मोटापे जैसी शिकायत से दूरी मिलेगी और आपका जो मोटापा है वो धीरे धीरे बिल्कुल कम हो जाएगा। लेकिन बात यह है कि इसके लिए सही तरीके से लहसुन का खाना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो दोस्तों लहसुन को किस तरह से सेवन करना है, चलिए मैं आपको बता दूं। दोस्तों सबसे पहले आप लहसुन को छोटे छोटे पीसेस में काट लीजिए या फिर आप इसको अच्छी तरीके से पीस लीजिए और कम से कम करीब 10 मिनट के लिए आप उसे ऐसे ही पड़ा रहने दीजिए। इसको तुरंत इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से दोस्तों जो लहसुन के अंदर एलिन केमिकल होता है वो एलिसिन में कन्वर्ट हो जाता है और लहसुन के जो अधिकतर गुण होते हैं वो एलिसिन के कारण ही होते हैं और एलिसिन को रिलीज होने में करीब 10 मिनट लगते हैं। और इसलिए कहा जाता है कि लहसुन को काटने और छीलने के बाद करीब 10 मिनट के लिए इसको ऐसे ही पड़ा रहने देना चाहिए और उसके बाद ही इसको यूज करना चाहिए। 10 मिनट के बाद आप कटे हुए और बारीक पिसे हुए लहसुन को पकाकर भी खा सकते हैं और उसका जो रस है उसको निकाल कर भी आप पी सकते हैं। दोस्तों कच्चा लहसुन खाएंगे तो कई लोगों को जलन की शिकायत होती है, जिनको जलन होती है वो कच्चा ना खाकर इसको पकाकर खाएं। दोस्तों डेली कितनी मात्रा में लहसुन खाना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। आप डेली करीब 5-10 ग्राम लहसुन खा सकते हैं और लहसुन को 10 ग्राम से ज्यादा की मात्रा में कभी भी सेवन ना करें, इससे आपके शरीर में गर्मी बहुत ज्यादा हो सकती है। और अगर आप इस तरीके से लहसुन को खाएंगे तो आपका जो दिल है वो एकदम अच्छे से काम करेगा, दिल के दौरे की संभावना बिल्कुल नहीं होगी। अगर आपका कोलेस्ट्रॉल इंक्रीज यानी बढ़ा हुआ है तो वो भी कम हो जाएगा, मोटापा कम हो जाएगा और लहसुन के अंदर एंटी इंफ्लेमेटरी और एंटी कार्सिनोजेनिक प्रॉपर्टीज भी होती हैं, यानी कि ये आपके जोड़ों के दर्द और कैंसर जैसी बीमारी से भी आपको बचाता है। तो है कि नहीं दोस्तों, लहसुन कमाल की चीज, प्लीज आप इसे डाइट में शामिल करें और इसके सारे गुणों को अपनी लाइफ में लेके आइए। मैं यही चाहता हूं कि आप हमेशा हेल्दी रहें, मुस्कुराते रहें और आप हमें यही देखते रहें। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनको फायदा मिल सके। और हाँ दोस्तों, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट नीचे जाके लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए, ये बिल्कुल फ्री है। और बाजू में घंटी के आइकन को जरूर दबाएं ताकि हमारे आने वाले फायदेमंद वीडियोस आपको यही मिलती रहे। दोस्तों आप सभी ने अपना समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, ख्याल रखें। थैंक यू दोस्तों।